Press the bell icon and never miss an update from Telly Masala. Hi guys, this is Manish Nagdev and this is Srishti and we are at Grand Sarovar. Yes, and we've come for the Coastal Food Festival and we are very excited. We are very hungry. We want to go and eat, hog on some food, good Actually. Food. और बहुत खुशबुएं फैली हुई है यहाँ पर. बहुत अच्छी खुशबू आ रही है जगह पे and I'm sure कि खाना भी उतना ही अच्छा होगा. 100%. Let's go and eat. Let's get started. कितने फूडी हो आप दोनों, मतलब खाना और जिम मुझे खाना बहुत पसंद है बट यू नो इन फैक्ट मेरे साथ रह रहे के मनीष इज ऑल्सो बिकम अ लिटिल फूडी एंड आई थिंक ही इज थोड़ा क्लोज टू बिकमिंग द एक्चुअल फूडी बट उनको बीच बीच में याद आ जाता है नो मैं नहीं खा सकता इतना जंक एंड आई नीड टू बी बैक ऑन माई ट्रैक एंड डाइट एंड जिम तो ये जिम करते हैं और मैं खाती हूँ. नहीं पर सृष्टि इतना जंग नहीं खाती. सृष्टि अच्छा खाना खाती है, लाइक बैलेंस फूड खाती है. शी इज अ फूडी बट शी ईट्स लाइक नॉन वेज मोर, लाइक मोर सी फूड. शी डजंट ईट लाइक पिज्जास एंड बर्गर्स. या आई एम एक्चुअली फॉन्ड ऑफ पिज्जास एंड बर्गर्स. एक्चुअली मैं हेल्दी फूडी है. ये हेल्दी फूडी है. ये तो फूडी बन गए. आप इनके साथ रहकर कितना जिम करते हो? ओह माय गॉड, मुझे मनीष ही मोटिवेट्स मी अ लॉट टू डायट, टू जिम इन अ गुड वे. आई टेक इट वेरी पॉजिटिवली बिकॉज आपको चाहिए होता है कि आपको समय समय पर कोई याद दिलाते रहे कि आप आउट ऑफ ट्रैक जा रहे हो और वो मनीष बहुत अच्छे से करते हैं. सो हिंदी इतनी अच्छी मैंने की है, समय समय बोल रही है. तो ये हो जाता है कि जिम मैं बीच बीच में डाइट ज़रूर करती हूँ और जब जब मुझे बहुत बड़े लेक्चर्स मिलते हैं, बहुत डांट पड़ती है, तब तब मैं थोड़े दिन तक एक्सरसाइज भी करना शुरू करती हूँ बट उसके बाद फिर वही जो दिल से पुकार पेट से पुकार आती है. खाले, दिल से नहीं पेट से पुकार आती है. यस. नहीं बट शी हेट्स जिमिंग बट शी वर्क्स आउट इन डिफरेंट वे, लाइक शी डांसेस एंड ऑल. आई डू स्विमिंग, मैं स्विमिंग कर लेती हूँ. दूसरी एक्टिविटीज हमेशा शुरू होनी चाहिए, दैट्स हाउ, वरना मैं आज जितनी दिख रही हूँ उससे ट्रिपल होती. यस, बिकॉज मैं बहुत ही अलग वे में वर्कआउट करती रहती हूँ, जैसे डांस हो गया, स्विमिंग हो गया, कुछ ना कुछ, या फॉर दैट मैटर घूमना भी हो गया. घूमते भी रहते हो आप तो काफ़ी कैलोरीज बर्न करते हो बिकॉज आप एक जगह पे बैठे नहीं रहते हो. एंड सो आई थिंक इसी वजह से जो भी है वो है. स्टार्टर्स में भी फिश. या ऑनेस्टली आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट दिस डिनर बिकॉज मुझे जितनी भी चीज़ें पसंद है, मुझे सबसे ज़्यादा मेरा फेवरेट इज सी फूड. आई लव सी फूड और यहाँ पे जैसे कि आपको पता है कि कोस्टल जैसे कि सी फूड फेस्टिवल चल रहा है. नहीं बट आई कैन नॉट ईट क्रैब्स हियर बिकॉज उसमें हाथ गंदे हो जाते हैं. यू नीड लाइक अ लॉट ऑफ पेशेंस. बट या तो जैसे कि हम यहाँ पे कोस्टल सी फूड जैसे फेस्टिवल चल रहा है तो दिस इज़ लाइक वन ऑफ माय फेवरेट टाइम्स. बहुत जगह चलता है एंड दिस इज़ द फर्स्ट टाइम कि हम सरोवर आए हैं एंड इट स्मेल्स रियली गुड. तो आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर द डिनर. मी टू डेफिनेटली. मैं तो अंदर घुसते मैंने बोला यार बड़ी खुशबू आ रही है, एक काम करते जो बाइट है बाद में दे देंगे पर खाना खा लेते हैं. ओके ओके, शुरू करते हैं फिर. यस, लेट्स गेट
इतना अच्छा प्रेजेंटेशन है एंड टोटली मैच करता है इस फेस्टिवल को बिकॉज इट्स अ कोस्टल. तुमने उल्टा पकड़ा है. या सो दैट्स अ डॉल्फिन. डॉल्फिन या खाना कैसा? खाना बहुत अच्छा था. हमने बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया और इतना इन्जॉय कर लिया कि अभी बोला नहीं जा रहा है, इतना पेट भरा हुआ है. बट डिजर्ट्स के बिना खाना इनकम्प्लीट होता है. आई थिंक मनीष इंटरेस्टेड ही नहीं है मेरी बातों में. ही इज़ जस्ट इंटरेस्टेड इन द डिजर्ट्स इन द डॉल्फिन. और यहाँ पे बहुत सारी खाने की बहुत सारी स्पेशलिटीज़ है. आई थिंक दे हैव मूज, दे हैव गुजिया. मैंने ये बना चुकी हूँ मैं, आई रिमेम्बर. या हमने ये बनाया था. यस मैंने बनाया था. दे हैव मिठाई ऑल्सो. दे हैव फ्रूट्स ऑफ कोर्स, केक्स एंड ब्राउनीज. बहुत आई लव, मुझे स्वीट्स बहुत ज़्यादा पसंद है. ही नोज मेरी सबसे बड़ी वीकनेस इज़ मिठाई, स्वीट. एंड मनीष का बहुत ज़्यादा अच्छा कंट्रोल है मीठे पे. हाँ, बहुत कंट्रोल है मेरा मीठे पे. या तो बट एक्चुअली मैं तो बिल्कुल कंट्रोल नहीं कर पाती हूँ. मैं किसी भी टाइम पे किसी भी मतलब मुझे सोते सोते आप अगर उठा दोगे ना कुछ मीठा खिलाने के लिए, आई विल बी अप फॉर इट. और अभी मैं कुछ घंटों पहले ही जलेबी खा कर आई हूँ. सॉरी बट या मैं कुछ घंटे पहले ही जलेबी खा कर आई हूँ और फिर भी मैं नहीं रुकूंगी. इतना यमी डिलिशियस मिठाई देखकर मैं अपने आप को रोक नहीं पा रही हूँ. सो आई विल गो एंड ईट सम मिठाई. इट्स अ केक. कल का था वो शोपीस पर. स्प्रे मारा हुआ है इसके ऊपर. शूटिंग नहीं चल रही है, स्प्रे मारा हुआ. अच्छा कल का था. स्प्रे मार तो मैं अकेले क्यों मारूं? आई थिंक वेलकम टू इट्स गुड. चॉकलेट का है फ्रेश. या ये एक्चुअली बहुत इंटरेस्टिंग है ये जिस तरह से बनाया गया है. डेकोर के लिए बनाया है. हाँ डेकोर के लिए है. खाने के लिए नहीं है. नहीं पर रबिश. नहीं नहीं मैं इसको नहीं खाऊंगी. मुझे पता है ये डेकोरेशन के लिए है यहाँ पर. बट बहुत ही मेहनत से बनाया गया है. एंड दिस लुक्स अमेजिंग. इट्स पुडिंग. पुडिंग सॉरी. It's amazing. It's very delicious. It's like mind blowing. I love it. Sorry, what did you eat? No, it's okay. Let me come. Awesome. Guys, you are missing this. Trust me, बहुत 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 tasty है ये. And I love pudding. Yeah. Okay, guys. Grand Sarovar की 180 degree restaurant. Yeah. Awesome. Guys, हमने बहुत ज़्यादा टेस्टी खाना खाया है और आप लोग को भी यहाँ ग्रैंड सरोवर 180 डिग्री रेस्टोरेंट में खाना खाना मिस नहीं करना चाहिए. स्पेशली दिस फेस्टिवल प्लीज़ यहाँ पर आइए और यहाँ पर खाने का मज़ा लीजिए बिकॉज इट्स अमेजिंग. इट्स ये पक्का खाना बहुत मज़ेदार है, बहुत टेस्टी. दिस पुडिंग इज़ टू डाई फॉर. इट्स बहुत टेस्टी है. एंड प्लीज़ यहाँ पर आइए और यहाँ पे खाना खाइए. हमने सब कुछ ट्राई किया यहाँ पे, स्टार्टर्स एंड मेन कोर्स एंड एवरीथिंग. बहुत बहुत एवरीथिंग इज लाइक परफेक्टली मेड. या एंड वेरी गुड सर्विस एंड वेरी गुड रेस्टोरेंट, वेरी गुड एम्बियंस. बहुत अच्छे से इन लोगों ने डेकोरेट किया है. यू शुड कम फॉर द फेस्टिवल एंड जस्ट फाइंड आउट योर सेल्फ हाउ इट इज बिकॉज इट्स अमेजिंग. वी हैड अ वेरी ग्रेट एक्सपीरियंस. थैंक यू सो मच. ग्रैंड. थैंक यू.